नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बॉम्बे से मशहूर लेखिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कुछ गलत करना पड़ जाए। मैडम, किस तरीके से हम कुछ गलत चीजों से बच सकते हैं? कि हाल ही में अभी आपने देखा होगा, बॉलीवुड एक्टर सुशांत कपूर ने आत्महत्या का प्रयास किया, जो कि बहुत गलत रहा उनका। तो किस तरीके से बचा जा सकता है इन चीजों से? नमस्कार विनोद जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे देश को धक्का लगा है सुशांत सिंह राजपूत जी की जो खबर मिली है उससे। सिर्फ 34 इयर्स के थे और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उनकी मैं उनको निजी तौर पर तो नहीं जानती, तो उस पर टिप्पणी करना सही नहीं समझती, लेकिन आज के लॉकडाउन के दौर को देखते हुए और जो कोरोना वायरस को लेकर सबके मन में डर है, उसके चलते हुए मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी जो आज का यूथ है उनके लिए। गीताजलि जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप कई बुक लिख चुकी हैं, उनके बारे में आप दर्शकों को पहले बताएं। कोई बात नहीं, वो भी हम कह देंगे बाद में। अब जब ये टॉपिक चल रहा है तो इस पे पहले मैं यूथ को जो, क्योंकि देखिए आज हमारा जो आज का यूथ है वो सेलिब्रिटीज को कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल मानता है, तो मैं उन सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उससे आप सीख लीजिए। ऐसी सीख लीजिए कि आगे चल के आप दूसरों की भी मदद कर सकें। ये एक बहुत ही गलत चीज है। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए विनोद जी। आजकल हम सब छोटी फैमिलीज में रहते हैं, पहले की तरह नहीं है जहां जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहां पे अगर कुछ भी मुश्किल आई, कैसी भी परिस्थितियां हो, सब मिलकर उसका सामना करते थे। आज आप देखिए जो यंग बच्चे हैं अपने घरों से दूर है, या तो कमाई के लिए बॉम्बे आए हुए हैं या पढ़ाई के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, और जहां पे रह भी रहे हैं, जैसे सुशांत जी की ही जो माता जी हैं, अभी ही हाल ही में मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले ही वे गुजरी थी। तो लास्ट पोस्ट अगर आप इंस्टा पे देखेंगे सुशांत जी का, उन्होंने अपनी माता जी की पिक्चर डाली हुई है और कुछ उनपे पंक्तियां लिखी हैं। जो गीतांजलि जी, सवाल ये है कि तनाव मुक्त कैसे रहा जा सकता है अगर कोई मनोदशा ऐसी बिगड़ जाए किसी की? बिल्कुल, तनाव ऐसे ही, तनाव जो है, जो ये स्ट्रेस है, ये तनाव है, इसको आप रियलाइज कीजिए कि आज के टाइम पे हमें पता चला है कि परिवार और फैमिली की अहमियत क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। और उसके अलावा एक जो खालीपन आ जाता है जिंदगी में, तो उसको कैसे भरा जाए? अभी मैं यहाँ पे अपना परिचय जो आपने मुझे कहा था मैं देना चाहूंगी। मैं गीतांजलि कपूर सपनों के शहर मुंबई से हूँ, और यहाँ पे सपने बहुत सस्ते बिकते हैं। मैंने भी बहुत बहुत मेहनत की है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैं 43 इयर्स की हूँ। मेरा जो करियर है वो हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग में रह चुका है। HDFC बैंक में मैं पर्सनल मैनेजर रह चुकी हूँ। ताज, मैरियट, आप ग्रैंड हयात, जो मतलब बड़े होटल्स हैं उनमें मैं जॉब कर चुकी हूँ। अब कुछ सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ घर से। औरत के कई कई रूप होते हैं, कई काम होते हैं, तो हम अपने आप को बिजी रख लेते हैं। मैं आज अपने आप को शेफ भी कह सकती हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए भी जो कर रही हूँ, तो मतलब हम अपना खालीपन भर लेते हैं। जहां पे एक आदमी का सवाल होता है जो उसका रोल है पैसे कमाना, आज जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर्किंग सेक्टर है बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा है। जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके जो मन में विचार चल रहे होंगे, कोई नहीं उसको आप सकता। तो हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसको हम कैसे टाल सकते हैं? जब आप देखें कि आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति, उसने किस तरह की पोस्ट डाली है, अगर उसने कोई नेगेटिव चीज लिखी है, तो तुरंत फोन उठाइए और उसे कॉल कीजिए।
एक फोन कॉल उसकी जिंदगी बचा सकता है। और ये चीज जो है, मतलब सोशल मीडिया को एक तरह से हम इस बात के लिए धन्यवाद कह सकते हैं कि हम अपने घरों में लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा देखिए, आज आप इंस्टा पे देखिए, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कई लोगों ने कोर्सेज फ्री में कर दिए हैं। तो क्यों ना इस समय को बेकार में वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई ना कोई चीज सीखिए। मैं अपनी बुक जो है, मैंने यही रियलाइज किया कि आपने बुक्स लिखी हैं उनके बारे में आप बताएं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी, जरूर, मेरी पहली बुक जो है उसका नाम था क्रिम्सन किसेस। क्रिम्सन किसेस क्यों? क्योंकि ये मैंने किशोर उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके डेवलपमेंट के समय किस तरह के शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं उन पर लिखी है। इसके साथ मैंने ये बुक सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, 66 राइटर्स जुड़े थे मेरे साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबने अपने तरीके से अलग अलग जो परेशानियां होती हैं उनको कविताओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मुंबई मिरर ने मेरा ये इंटरव्यू भी अपने अखबार में प्रकाशित किया था, मैंने आपको उसका लिंक भेजा है। ये बुक कई एनजीओज ने भी खरीदी है। मैडम, ये इंग्लिश की बुक है मेरी। आप ये बुक्स है क्या वो बताएं दर्शकों को, फिर दर्शकों को वही तो मैंने आपको बताया है, वही तो मैंने आपको बताया है। क्रिम्सन, सबसे पहले मैं आपको उसका नाम समझा दूं, क्रिम्सन किसेस। क्रिम्सन जो है वो लाल रंग होता है, ठीक है। तो जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ओके, तो उसके ऊपर मैंने एक पोएम लिखी है, क्रिम्सन किसेस। तो ये वो नाम है। और जब एक किशोर उम्र की लड़की जब बढ़ती है, डेवलप होती है, तो उनके शारीरिक और मानसिक संबंधों को लेकर जो जो परेशानियां होती हैं उन पर ये पुस्तक पे हमने कविताएं लिखी हैं, ठीक है। जो मेरी दूसरी बुक है इश्के वतन, वो माँ भारती को हमने समर्पित की है। उसमें मेरे साथ 42 राइटर्स जुड़े थे और हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर मिला था। हमें अमृतसर बुलाया गया, वहां हमने इश्के वतन, हमारी जो पुस्तक है, उसका लॉन्च किया था। रक्षाबंधन के दिन हमारे जो फौजी भाइयों को हमने राखी बांधी और अपनी पुस्तक में से कविताएं पढ़ के उनको सुनाई थी। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं कैसे समझाऊं कि वो फीलिंग्स क्या थी जब हम वहां थे उनके साथ। मेरी एक अंग्रेजी की बुक है प्राइसलेस पर्ल्स, पर्ल्स यानी के शब्द मोती। तो मैंने जो ये प्राइसलेस पर्ल्स बुक है अपनी माताजी को मैंने डेडिकेट की है, उसके अंदर, हेलो जी जी, प्राइसलेस पर्ल्स बुक जो है ये जून एंड तक अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। और इसमें भी मैंने एक बेटी के तौर पे, एक स्त्री और फिलोसफी को लेकर कई तरह की पोएम्स लिखी हैं उसमें। ये बुक्स लिखने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मुझे आप ईश्वर की देन समझिए, क्योंकि मेरे पिताजी भी लिखते थे, तो ईश्वर और मेरे पिताजी, उन दोनों से मुझे ये एक तरह से गिफ्ट मिली है। उसके अलावा मैं कहूंगी कि कुछ एप्स हैं जो राइटर्स को प्रेरणा देते हैं आगे लिखने की, उनको मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपके अंदर हुनर है, किसी भी चीज का हुनर है, ये बिल्कुल सही समय है, उसे आप और निखारिए। कुछ कोर्सेज जैसे वॉइस ओवर, मुझे कई जगहों से वॉइस ओवर्स के लिए भी फ्रीलांसिंग के ऑफर्स मिलते हैं, तो मैं अब वॉइस ओवर के ऊपर भी एक कोर्स करने जा रही हूँ। क्योंकि कोर्स किया हो तो थोड़ा सा आदमी और पॉलिश हो जाता है, आपका जो भी हुनर है उसको एक और, आपको
आप कुछ भी सीखिए, उधर से आपको और 10 रास्ते निकल आएंगे टू एक्सीड इन दैट। गीतांजलि जी, अंत में आप, गीतांजलि जी अंत में युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाते और किस तरीके से वो सफल हो पाए, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आज का जो टाइम चल रहा है बहुत फास्ट टाइम है। जो मैंने नोटिस किया है, जो आज के युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो सिर्फ अपनी बात रखने का अपनी बात रखना चाहते हैं। वो दूसरों की ना बात सुनना चाहते हैं, ना उन्हें पढ़ना चाहते हैं। जो एक वो बुक लेकर, पेन लेकर हम पढ़ते लिखते थे, वो समय बीत चुका है। आज जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो वो चीज को सीखना बहुत जरूरी है। और आप उसको कैसे सीखेंगे, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। जो वो फील्ड में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, आप उनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं उन्हें पढ़िए। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, तो आपका एक अच्छा रीडर बनना होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, तो ठीक है, एक अंदरूनी टैलेंट या जो बोलते हैं इनबॉर्न गिफ्ट होती है सब में कुछ ना कुछ, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसे और ज्यादा निखारने के लिए आपको सीखना होगा। आपको अपने आप को, अपने ईगो को, आज सबके सर पे सींग है। आप जो भी यंगस्टर ले लीजिए, उसे लगता है कि ही इज, मतलब उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने भी जब ये हालात और ये परिस्थितियां देखी, तो मेरे मन में एक ही विचार आया, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च देख लीजिए। आज जो भी, जहां भी हम जाते थे कि थोड़ी मन की शांति मिले, वो जगहें बंद हैं। प्लस हम अपने दोस्त यारों से नहीं मिल सकते। हर एक इंसान, चाहे आप हैं या मैं हूं, आपके भी मन में कई विचार होंगे आज की जो परिस्थिति है उसको लेकर। हर बूढ़ा बच्चा परेशान है। मैंने इसीलिए एक बुक निकाली है जिसका नाम है स्तोत्रम। आपको पता है स्तोत्र क्या होता है? इस किताब में मेरे साथ 41 राइटर्स जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर कविताएं लिखने वाले उत्कर्ष लेखक जो हैं, वो इस बुक से जुड़े हुए हैं। हमने ईश्वर को स्तुतियां लिखी हैं। एक अपने इष्ट देवता को याद करते हुए हमारी जितनी भी मानसिक परेशानियां और इस टाइम जो हालात हैं, उसको लेकर जो हमारे दिल में, हमारे मन में भाव अभाव, जो हलचल मची हुई है, जो तूफान उमड़ रहा है, उन सबको हमने कविताओं का रूप देकर, स्तुतियों का रूप देकर ये पुस्तक बनाई है, स्तोत्रम। तो श्रोतम, तो ये भी गीतांजलि जी, श्रोतम अगर खरीदना चाहे तो किस तरीके से ले सकता है आप? ये मेरी बुक भी जून एंड तक अवेलेबल होगी, अमेज़न पे भी मिल जाएगी आपको, और फ्लिपकार्ट पे और कई जगहों पे। तो ई बुक भी होगी और पेपरबैक भी होगी। तो इसका भी लिंक मैं, जब ये बुक पब्लिश हो जाएगी, तो मैं चाहूंगी कि मैं और मेरे कुछ मेरे जैसे संपादक हैं या मेरे कुछ लेखक हैं, सह लेखक हैं, हम आकर आपको थोड़ा अपनी पुस्तक के बारे में और एक दो कविताएं पढ़कर सुनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया विनोद जी।